पूर्व दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर से पूर्व निगम प्रत्याशी राहुल सिंह उर्फ भूरू सिंह की दिन दहाड़े की गई हत्या, मारी गई 6 गोलियां। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंकित शर्मा की हत्या के पीछे थी गहरी साजिश, चार्जशीट में क्राइम ब्रांच का है दावा। नेशनल हाईवे पर चलती वैगनार कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, ड्राइवर जलती कार से बाहर कूदा, ड्राइवर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में है भर्ती। गाजीपुर मंडी में नहीं पहुंच रहे हैं ग्राहक, सब्जियां फेंकने पर मजबूर हो रहे हैं व्यापारी, बॉर्डर सील होने से नहीं आ पा रहे हैं यूपी से ग्राहक। और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील, सुबह लगा घंटों जाम, काफी समय फंसे रहे लोग, पास देखकर लोगों की हो रही है एंट्री, संडे तक रहेगा बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। दिल्ली में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पूर्व दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर से पूर्व निगम प्रत्याशी राहुल सिंह उर्फ भूरू सिंह को 6 गोलियां मारी गईं। राहुल सिंह पर पहला बुधवार सुबह उस वक्त हमला हुआ जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। बदमाशों ने मयूर पब्लिक स्कूल के पास उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला थीं। 8 महीने पहले भी राहुल सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में बीजेपी नेता राहुल सिंह की हत्या की गई है। मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही राहुल सिंह के परिजनों और करीबियों से पूछताछ भी की जा रही है। तिवारी जी जानने वाले उनके साथ पार्क जाते हैं, कैसे थे, किसने गोली चला, हाँ चार जने थे, चार जनों ने गोली चला दी है। हाँ रोज जाता था। तो क्या पहले भी कोई दुश्मनी है उनकी? हाँ पहले भी गोली चली थी, अभी 2-4 महीने पहले भी चली थी गोली उनके ऊपर। हाँ कान के बगल से लेकर निकल गई थी। तो क्या जिन्होंने पहले गोली चलाई थी कुछ पता लगा था वो लोग कौन थे? वो तो बंद है, वो तो बंद है, कतार घाटी था वो बंद है वो तो। आप लोगों को किस पे डाउट होगी? अब डाउट क्या, उसी पे डाउट है हमारा तो, जब वो था तो अब इसी पे डाउट है। वो तो जेल में। अच्छा कितनी गोली चली है उनके ऊपर? गोली तो अभी वहाँ तो बता रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा कि कितनी चली है कितनी नहीं चली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के केस में चार्जशीट दायर कर दी है। कड़कड़ुमा कोर्ट में दायर करीब 650 पन्नों की इस चार्जशीट में अंकित शर्मा की हत्या के लिए 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें पार्षद ताहिर हुसैन का भी नाम है। चार्जशीट में अंकित की हत्या के पीछे ताहिर हुसैन की गहरी साजिश बताई गई है। चार्जशीट में कुल 96 गवाह हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अंकित की बॉडी पर चोट के 51 निशान बताए गए हैं। आपको बता दें इसी साल फरवरी में दिल्ली में हुई हिंसा के वक्त 25 फरवरी की शाम अंकित शर्मा की खजूरी खास स्थित ताहिर हुसैन के घर बाहर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद अंकित का शव नाले में फेंक दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष से मनोज तिवारी की छुट्टी कर दी है। मनोज तिवारी की जगह नॉर्थ दिल्ली के पूर्व मेयर और पार्षद आदेश गुप्ता को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह किसी गुट के नहीं है, सबको साथ लेकर चलेंगे। पूर्व दिल्ली के नेताओं ने आदेश गुप्ता का स्वागत किया है, क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। खुशी की बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व में श्री आदेश गुप्ता जी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम उनको आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमें आशा है कि दिल्ली में संगठन और मजबूत होगा और अच्छे से कार्य करेगा। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपने युवा मित्र आदेश गुप्ता जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि जहाँ पे एक सामान्य कार्यकर्ता, एक जमीनी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद तक पहुँचता है। श्री आदेश गुप्ता जी कभी मंडल अध्यक्ष रहे, फिर जिला में महामंत्री के रूप में काम किया, फिर निगम पार्षद चुने गए इस पटेल नगर से, मेयर रहे और वर्तमान में उनको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया है। अपने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री आदेश कुमार गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आप पूर्व में भी मेयर रहे हैं
आपने संगठन में भी अपनी अलग अलग जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्व दिल्ली के नेशनल हाईवे पर चलती वैगनआर कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। गनीमत रही कि गाड़ी का ड्राइवर पूरी तरह से जला नहीं, बल्कि उसके चेहरे और शरीर के कुछ हिस्से जल गए हैं, जहां पर राहगीर की मदद से उस ड्राइवर को निकालकर पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने आकर आग को बुझाया है और किसी के जान इसमें नहीं गई है। आग काफ़ी तेज लग गई थी, तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और उन्होंने आग को पर काबू पा लिया है। जब पैसे जा रहे थे देखा चलती गाड़ी में आग लग गई, वो बेचारा बंदा टॉप प्लस हो गया, गाड़ी में कूद के कूदा है, इसमें से थोड़ा जल गया, वो तीन वगैरह जल गए, हाथ वगैरह जल गए। तो यहाँ पर कोई चलते बैठते किसी ने बाइक अपनी गाड़ी में लेकर गया है बैठाकर, इसी देर से फ़ोन कर रहे हैं यहाँ पर पुलिस वालों को, इन्होंने कोई आया नहीं, अब जाकर आए घंटे बाद इससे कॉल कर रहे हैं। तो जो बंदा जल गया है सही है उनका क्या? हाँ, वो बंदा ठीक है, थोड़ा बहुत तीन वगैरह जल गई है उसकी, तो बुधवार की सुबह से ही बॉर्डर पार करने में लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पर आसानी से गाड़ियां आ जा रही हैं। बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों का कहना है कि उन्होंने बॉर्डर को सील कर रखा है और सिर्फ पास देखकर ही आने जाने की परमिशन एक राज्य से दूसरे राज्य में दी जा रही है, मतलब जिनके पास पास है उनको ही एंट्री दी जा रही है। साथ ही व्यावसायिक वाहनों को भी छूट दी गई है। इससे पहले नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिला प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया था और सिर्फ पास वालों को ही एंट्री दी जा रही थी। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता एआर चौधरी ने। अनलॉक वर्ल्ड में दिल्ली बॉर्डर सारे सील किए जाने के बाद से ही बॉर्डर पर खासकर जाम देखने को मिलता है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, मैं पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यहाँ अब तो जाम की स्थिति फिलहाल कम है, जाम कम है, बस बॉर्डर पर ही थोड़े बहुत जो व्हीकल हैं वो उन्हें चेकिंग के दौरान रोका जा रहा है, उनका ही जाम है। सुबह और शाम की बात करें तो बॉर्डर पर काफ़ी कुछ खासा लंबा जाम लगता है, काफ़ी दूर तक जाम लगता है, क्योंकि ऑफिस के आने का टाइमिंग होता है। यूपी से जो लोग दिल्ली के अंदर आ रहे होते हैं उनका काफ़ी जाम होता है और काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना भी करना पड़ता है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। बेशक वो एसेंशियल सर्विस वाले हों उन्हें अंदर आने दिया जाता है, विदाउट पास वालों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है अभी बॉर्डर के अंदर। फिलहाल 7 दिनों के जो ये बॉर्डर सील किया गया उसमें जनता से सुझाव मांगा है। अभी का जो नज़ारा ये है कि हर गाड़ी से पास चेक किया जा रहा है, उसके बाद उसे दिल्ली में एंट्री की दी जा रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जाम तो कम होता जा रहा है, सुबह के टाइम ज़्यादा जाम रहता है और शाम के टाइम जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है जाम कम हो जाता है। पुलिस लगातार यहाँ कागज़ चेक कर रही है, पास चेक कर रही है, पुलिस की मौजूदगी बॉर्डर पर पूरी तरीके से देखी जा रही है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो वो दिल्ली पुलिस हो, दोनों तरफ होके बॉर्डर पर प्रॉपर तरीके से कागज़ की चेकिंग करने के बाद व्हीकल की एंट्री दी जा रही है। अन्यथा अगर किसी के पास पास नहीं है तो उसे यूपी की तरफ वापस भेज दिया जा रहा है। बॉर्डर सील होने की वजह से जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है कि उन्हें अगर किसी को दिल्ली ऑफिस के लिए जाना है तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ एआर चौधरी, CCN। पूर्व दिल्ली में अब सैलून भी खुल गए हैं, लोग बाल को कटवाने के लिए सैलून में जा रहे हैं। बड़ी ही सावधानियों के साथ बालों को काटा जा रहा है। सैलून में हेयर ड्रेसर PPE किट पहनकर बाल काट रहे हैं। सैलून कर्मियों का कहना है कि हम लोगों को दुकान बंद होने से बहुत नुकसान हुआ है, मतलब लॉकडाउन में काफ़ी उनका लॉस हो गया है। सैलून में टेम्परेचर लेकर अंदर जाने दिया जा रहा है, पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही साथ समय समय पर सैलून को सैनिटाइज भी किया जा रहा है, चेयर को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कोरोना के लेकर सारे एहतियात बरते जाएं। नहीं उतने तो नहीं आ रहे हैं, बट अभी 2 महीने बाद दुकान खोली है तो काफ़ी काम में भी फ़र्क पड़ गया है और काम भी कम आ रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम काम कर रहे हैं यहाँ, पूरी हमने किट पहनी हुई है और काम धीरे धीरे ऊपर वाला बढ़ाएगा। वैसे हम क्लाइंट को पहले तो सैनिटाइज करते हैं पूरा, और हम उसका टेम्परेचर भी अपनी मशीन से नाप लेते हैं, उसके बाद ही हम अंदर आने देते हैं क्लाइंट को। अदरवाइज़ किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो हम उसको मना कर देते हैं कि सर आपका काम नहीं हो पाएगा। हाँ, वो हमने वन टाइम यूज़ वाली किटें मंगा रखी हैं अपनी, जैसे कटिंग शीट और टावल्स और रेजर्स
कॉम, ऐसी सारी चीज़ें हमने मंगा रखी हैं। पर काम तो अभी बस ऐसे समझ लो 0% पे ही है। क्लाइंट की वेट की जा रही है, इंतजार की जा रही है। अब जैसे जो आ रहा है उसको पूरा सैनिटाइज करके और अपने वर्करों को मैंने जो है यूनिफॉर्म वगैरह सब ला के दे दी है और पूरा सैनिटाइज करके कुर्सी वगैरह को सबको, और फिर उसके बाद जो है क्लाइंट को बिठा रहे हैं। बस अभी फिलहाल वन टाइम यूज हाँ, क्लाइंट का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसको कोई परेशानी ना हो। रात 2 महीने बाद आने का यहाँ मौका मिला है तो तसल्लीपूर्वक आज मैंने बालों की कटिंग भी कराई है। जो सावधानी है, जो सैनिटाइज़र किया गया है यहाँ पर, अपना बुखार चेक किया गया, तब जाकर मैं सीट पे बैठा हूँ। उसके बाद मैंने कटिंग कराई है, मेरे को अपना बिल्कुल अच्छा, अपने आप में रिलीफ लग रहा है। कोरोना महामारी से बचने के लिए निगम हर संभव प्रयास कर रहा है जिससे लोगों को इस संकट की घड़ी में परेशानी ना हो। इसी को देखते हुए शाहदरा साउथ जोन में DVC कर्मचारियों को सुरक्षा हेतु किट्स बांटी गई, साथ ही महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटे गए। इस मौके पर शारदा साउथ जोन की चेयरमैन कंचन महेश्वरी मौजूद रहीं। गौतम गंभीर जी के द्वारा भेजे गए सैनिटरी नैपकिन और बच्चों को सैलेक्ट दिया गया। इससे ये सिद्ध होता है कि BJP समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जागरूक है। आज की महिलाएं जो समाज को बनाने का काम करती हैं और साथ साथ अपने घरों का कितना ध्यान रखती हैं, परंतु वह स्वयं का ध्यान नहीं रख पाती। बहुत सी महिलाएं जैसे ये इस कोरोना के संकट में अपने आप का ध्यान नहीं रख पाती, उनके लिए सैनिटरी पैड दिए गए। छोटे बच्चे जो देश का भविष्य हैं उनके लिए आज सैलेक्ट दिया गया। गाजीपुर मंडी के व्यापारियों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बॉर्डर बंद होने की वजह से ग्राहक मंडी में नहीं आ पा रहे हैं, सब्जियाँ सड़ रही हैं, व्यापारियों का लॉस हो रहा है। प्याज टमाटर के दाम काफ़ी कम है। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन में हम लोगों को काफ़ी घाटा हुआ है, बॉर्डर सील होने की वजह से UP से कस्टमर हमारे पास नहीं आ पाते हैं, जिससे हमारे बिजनेस पर बहुत असर पड़ा है। ये प्याज के कट्टे लिए हैं, क्या नाम है, 300 कट्टे लिए हैं प्याज के और ये 8 रुपये किलो में लिए हैं। कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से आए हैं, क्या नाम, यमुना विहार से। आने जाने में देखो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्जी पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वैसे कोई और चीज़ जैसे ले जाते हैं उसके बाद तो दिक्कत तो करेंगे ही, लेकिन खाने पीने की चीज़ें ये तो यहाँ के रेट में, बाहर के रेट में अभी तो देखो बाज़ार तो एक जैसा चल रहा है, लेकिन अब क्या नाम है, कल देखो बाज़ार ऊपर हो सकता है, कल परसों में, कल एक दो दिन छोड़ के ऊपर है, वैसे पोजिशन टाइट है वहाँ भी। UP का तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा है ना, जो UP मंडी खुली हुई है रात की खुली हुई है, रात को 8 बजे लेकर सुबह 11 तक मंडी खुली हुई है UP की, और हमारी मंडी में सवेरे गाह के एकदम छोड़ते हैं, तो उसमें क्या है कि एकदम छोड़ेंगे तो अच्छा 3 गाह से ऊपर गाह चाहिए भी नहीं, वहाँ टाइमिंग को लेकर तो गलत हो रही है। प्याज भाई साहब 7 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो और रेट गिर गए जी, पहले से काफ़ी रेट गिरे हुए हैं। इस टाइम भिंडी 6-7 रुपये किलो, लौकी 3-4 रुपये किलो, बैंगन 5 रुपये किलो। भाई साहब यहाँ कुछ लोग आ पाते हैं वो ही ले जाते हैं, वो पूरे एरिया को 4 गुना तेज बेचते हैं रेड़ी पटरी वाले। टाइमिंग की वजह ये है कि रात को मंडी चलती नहीं है, मंडी चलती है सुबह। UP वालों को कोई आता है तो उन्हें चाहिए माल रात को, वो भी गाड़ी की गाड़ी में, पैकार कोई ख़रीदने आता नहीं। ये हालात है मंडी के, और मंडी में पूरी दुकानें भरी पड़ी हैं इस टाइम। सर तरबूज की तो बहुत पोजिशन, सारी तरबूज की फसलें ख़राब हो गई और फिर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही तरबूज में। तरबूज मंडी में भी नहीं बिगड़ा पा रहा, और तरबूज इतना मद्दा है कि 3-4 रुपये लोग बूझ नहीं रहे तरबूज को। किसानों का मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और व्यापारी भी लोग मारे जा रहे हैं। ग्राहक जब लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग डर भी रहे हैं, कुछ मंडी में भी ग्राहक कम आ रहे हैं, इसलिए माल भी कम बिक रहा है, पीछे से माल में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब किसानों का माल वहाँ बारिश की वजह से ख़राब हो रहा है तो इधर भी कस्टमर कम ले रहे हैं। तो 4 रुपये को ले जाएंगे तो सीधा 5-6 रुपये को तो बेचेंगे या 7 रुपये को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खादूर साहिब से अमृतसर शहर के लिए एक नए ग्रीन फील्ड संपर्क मार्ग को विकसित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अमृतसर से गुरुदासपुर तक की सड़क भी पूरी तरह विकसित होगी और इसे पूरी तरह सिग्नल मुक्त बनाया जाएगा। इसकी वजह से सड़क मार्ग के यात्रियों के पास नाकोदर से गुरदासपुर से आगे यात्रा करने का विकल्प होगा। इसके साथ ही वे अमृतसर और करतारपुर के रास्ते भी जा सकते हैं। इसी का सिख भाइयों ने स्वागत किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी का, नितिन गडकरी जी का, सुखबीर सिंह बादल जी का, हरसिमरत कौर बादल जी का, और मैं वहाँ पे ही बधाई देना चाहूँगा सबको। दिल्ली
एक्सप्रेस जो कटरे तक जाएगी, चाहे वो सिख हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, कोई भी हों, उन्हें जल्दी पहुंचने का एक रास्ता बनाया है भारत सरकार ने, और बहुत अच्छी पहल है। और सिख संगतों के लिए और भी खुशी की बात है कि ये दिल्ली से लुधियाना और अमृतसर तक, करतारपुर पौड़ी रोड तक ये रास्ता जाएगा, और जितने बीच में गुरुद्वारे आएंगे सब में जाना आसान हो जाएगा, सबके दर्शन करने आसान हो जाएंगे। आप जी में जान के बहुत खुशी होगी कि साढ़े प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, गडकरी जी और सुखबीर बादल जी ने जो दिल्ली तो कटरा का रास्ता बनाया हैगा है वाया अमृतसर, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा रास्ता बनाया है। ये सारिया सात संगतों जिन्हों कटरा जाना होंगे हैगा उन्होंने तो टाइम भी बचेगा ही बचेगा। इधरों वाया अमृतसर जाते हुए दरबार साहब के बाकी जिन्हें भी साढ़े गुरुद्वारे है जिन्हें भी धर्म के साथ सिख भरा चाहे धारी और हिंदू मुस्लिम जिन्हें भी है उन्होंने सब बहुत ही शॉर्ट रस्ता पेगा। असं धन्यवाद करने मोदी जी का दोबारा। पूर्व दिल्ली नगर निगम और NTCP की संयुक्त कंपनी स्थापित कूड़े से बिजली बनाने के लिए लगाएगी। संयुक्त कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र लगाने के उद्देश्य से पूर्व दिल्ली नगर निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम NTPC ने एक संयुक्त कंपनी स्थापित कर ली है। NTPC EDMC वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से गठित कंपनी गाजीपुर के आधुनिक संयंत्र स्थापित करेगी। नई स्थापित कंपनी में NTCP के 74% और EDMC के 26% हिस्सेदारी है। पूर्व दिल्ली नगर निगम की ओर से मुख्य अभियंता श्री प्रदीप खंडेलवाल नई संयुक्त कंपनी में निदेशक होंगे। श्री प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले संयंत्र से ठोस अपशिष्ट से बिजली, वायु मशीन गैस और अन्य उत्पाद बनाए जाएंगे, साथ ही लैंडफिल साइट पर कचरे के भार को भी कम करने में मदद करेगा। कर्मचारियों को पूरे लॉकडाउन में बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने काम किया, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। कर्मचारियों कहना है कि हम लोगों को वेतन में परेशानियां आनी हैं, अगर आगे जाकर हम लोगों को वेतन समय पर नहीं मिला तो हम आगे चलकर प्रदर्शन कर सकते हैं और भी कठोर कदम उठा सकते हैं। हम लोगों ने संकट की घड़ी में लॉकडाउन में भी परिवार को छोड़कर साफ सफाई की इलाके का ध्यान रखा। अगर निगम हमारी सैलरी को टाइम पर नहीं देता है तो हम आगे चलकर प्रदर्शन कर सकते हैं। सैलरी का कोई एक पैसा नहीं आया है तो जिससे समस्या बढ़ सकती है, और इसको देखते हुए जैसे लॉकडाउन भी चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे सफाई कर्मचारियों को दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन हम आज कमिश्नर साहब को एक लेटर लगा रहे हैं कि अगर समय पर सैलरी नहीं दी गई तो हम समस्त कर्मचारियों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, और जो भी व्यापक कदम होगा यूनियन के तहत वो हम उठाने पर मजबूर रहेंगे, क्योंकि मेरा सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को छोड़कर तैनात है, कार्य कर रहा है, उसको समय पर वेतन तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ऐसा सुनने में आया है हमारे कि भाई पैसा नहीं है अभी, पर यह है कि सैलरी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि आज के दौर में सफाई कर्मचारी अपना जीवन दांव पर लगा के इस टाइम काम कर रहा है, तो उनके लिए सैलरी नहीं है, उनके लिए सबसे पहले होनी चाहिए। और ये हम सिर्फ 7 तारीख तक बैठे, क्योंकि 7 तारीख का कोर्ट का भी ऑर्डर है, ये अधिकारी जान लेगी, और जो ऑर्डर है 7 तारीख का है, 7 तारीख तक सैलरी देनी चाहिए, और अगर 7 तारीख तक अगर हमारी सैलरी नहीं आई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, इस मुसीबत घड़ी में भी अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम अपने बीवी बच्चे अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? कि 7 तारीख का कोर्ट का ऑर्डर है, अगर कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी गई तो MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन द्वारा एक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। अब आप ये बताइए, अगर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो अपना चूल्हा कैसे जलाएंगे? ये देखिए, ये बिना इस बीमारी के अंदर बिना सैनिटाइजर और बिना मास्क के वो काम कर रहे हैं, और उन्हें तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या कैसे अपने बच्चे पालेंगे? फंड का सैलरी का तो इस महीने में अभी आज क्लास 4 एम्प्लॉयज का सैलरी आ गया, वो हमने जारी कर दिया। डम्स वालों का आज ही अभी जैसे पैसा आते हैं हमने जारी कर दिया। सफाई कर्मचारियों का क्लास 4 एम्प्लॉयज़ का आ गया और क्लास 4 एम्प्लॉयज़ का भी आ गया। फंड का दिक्कत तो इसलिए अभी तो क्लास 4 का ही आया, और कैटेगरी का पैसा नहीं आया। और पूर्व दिल्ली का अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।